सबको नमस्कार। मैं सुमन शर्मा, प्रवक्ता कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है, बेसिक स्विंग टेक्निक्स, जिसका कोड नंबर है 127। उसकी आठवीं यूनिट है फास्टनर्स, उसके बारे में बात करेंगे। फास्टनर्स, जैसे कहते हैं कि फास्टनर का हिंदी में अर्थ होता है बंधक, मीन्स बांधना। तो गारमेंट को बांधना और उसको खोलना के लिए, और फास्टन जैसे कि इंग्लिश वर्ड है, फास्टन मतलब शीघ्रता से, गारमेंट को बहुत शीघ्रता से खोलना और बंद करना, वो जो प्रोसेस है उसके अंदर जो हम चीजें यूज करते हैं उनको बोलते हैं फास्टनर्स। और ये फास्टनर्स कई तरह की होती हैं, जैसे फास्टनर्स परमानेंट भी होती हैं और टेम्परेरी भी होती हैं। परमानेंट तो वो होते हैं कि जब हम गारमेंट की शेप ही ऐसी कर दें कि उसको खोलने और बंद करने या पहनने में आसानी हो, जैसे हमने उसका नेक की साइज इतनी कर दी कि आराम से हम पहन सकते हैं उसको और उतार सकते हैं। दूसरा, उसकी शेप इस तरह की कर दी कि ईजी वे में उसको पहना और उतारा जा सकता है। और टेम्परेरी फास्टनर्स वो होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, उसको यूज किया तो वापस उसको बंद कर दिया, जैसे बटन है, बटन होल्स हैं, तो इनको एक बार बंद किया जब जरूरत थी, जब खोल लिया, है ना, इनको बार बार यूज किया जाता है। तो ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब फास्टनर्स आप कैटेगराइज करती हूँ कि डेकोरेटिव और उनके डेकोरेटिव परमानेंट और टेम्परेरी होने के साथ साथ ये डेकोरेटिव और फंक्शनल भी होते हैं। फंक्शनल तो ये है कि इनको किसी पर्पज से इनको लगाया जाता है, और डेकोरेटिव होते हैं कि इनका जो डेकोरेटिव पर्पज वो होता है कि ये यदि ना लगते तो गारमेंट को पहना और उतारा जा सकता है, बट ये लगते हैं तो उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है ना। तो आज हम बात करेंगे कि फास्टनर्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सबके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। फास्टनर्स जो है इनका रोल क्या रहता है, क्यों लगाया जाता है, तो फंक्शन क्या है इसका। तो फास्टनर जो होता है कि गारमेंट के अंदर बहुत फंक्शनल रोल होता है इसका। ये क्या करता है, गारमेंट की गारमेंट को एग्जैक्टली और करेक्टली खोलने और बंद करने के लिए काम आता है। इट मीन्स सही जगह से और सही तरह से उसको खोला जा सके। तो ये फंक्शन दो तरह के होते हैं फास्टनर्स, एक तो फंक्शनल और एक डेकोरेटिव। फंक्शनल फास्टनर्स वो होते हैं जो अभी मैंने बात की थी कि किसी पर्पज से लगाए जाते हैं, जैसे हुक एंड आई, ब्लाउज के अंदर अपन लगाते हैं तो ब्लाउज को खोलने और पहनने में इजी रहे। डेकोरेटिव होते हैं जैसे अपन ड्रेसेस के ऊपर डेकोरेटिव बटन लगा देते हैं, है ना, तो उनका पर्पज खोलने उतारने के नहीं होता, बस ये है कि उनको वहां लगाया जाता है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये जो पहले फास्टनर्स थे, ये है कि स्टार्टिंग के अंदर कई तरह के हुआ करते, जैसे इनिशियली बात करते हैं तो बोन बटन हुआ करते थे, बोन्स के बटन लगाया करते थे, फिर धीरे धीरे नीडल बनी तो नीडल से सिलना शुरू कर दिया। इसके अलावा कई सारे और तरह की चीजें स्टार्ट, जैसे सेफ्टी पिंस वगैरह भी स्टार्ट हुई, है ना। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए, इन्वेंशन होते गए, नए नए तरह के फास्टनर्स भी आते रहे। आज की डेट में देखिए कितने तरह के फास्टनर्स हैं। आज की डेट में हम बकल्स यूज करते हैं बेल्ट्स के अंदर, है ना, स्नैप्स यूज करते हैं जो प्रेस स्टार्ट बटन, जिसको टच बटन भी अपन बोलते हैं, वेलक्रो होती है जिसमें हुक एंड लूप का फंक्शन काम करता है, है ना, सेफ्टी पिंस को भी अपन फास्टनर्स में यूज करते हैं, कफ लिंक्स भी यूज करते हैं, है ना, ब्रोचेस यूज करते हैं, जिपर्स यूज करते हैं, और हुक एंड आई यूज करते हैं, बटन एंड बटन होल, ये सब चीज तरह की अपने जो है फास्टनर्स यूज करते हैं। तो अब अपन एक एक पे बात करते हैं। अभी देखिए बटन्स हैं, तो बटन्स जो हैं ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो होते हैं शैंक बटन और एक होते हैं विदाउट शैंक। अब शैंक क्या होता है, शैंक बटन के स्टैंड को बोलते हैं जिसके ऊपर बटन खड़ा रहता है। ये शैंक कई बार हम खुद बनाते हैं और कई बार बटन के अंदर इनबिल्ड होता है,
तो हम जो विदाउट शैंक है उन बटन की बात करते हैं, जो अपन शर्ट्स में देखते हैं ना जिनके अंदर दो होल्स होते हैं, और कोट के जो बटन्स उसमें चार होल्स होते हैं, तो ये विदाउट शैंक बटन्स होते हैं। तो ये दो होल वाले भी हो सकते हैं और ये चार होल वाले भी हो सकते हैं। इनके अंदर सबसे देखिए एक खास बात क्या है कि बटन का साइज कितना ही बड़ा हो, लेकिन बटन के जो अंदर जो होल्स हैं जिसको स्यू किया जाता है, सिला जाता है कपड़े के ऊपर, उन दोनों के बीच की साइज या डिस्टेंस सेम होती है। ये जो चार होल्स हैं इस बटन में, चार छेद थे, अब इन चारों के अंदर भी जो स्पेस है वो इन दो के बराबर, कि बटन का साइज चाहे वो इतना बड़ा है लेकिन इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो इनमें सेम होता है। इसका रीजन ये है कि जो मशीन का निडल है वो जिस विड्थ तक जाता है उसका इन होल्स का साइज उतना ही मैक्सिमम होता है, ताकि इनको मशीन से भी लगाया जा सके और हाथ से भी लगाया जा सके। तो जब हम हाथ से लगाते हैं तो लगाने के भी अलग अलग तरीके से अपन इसको लगा सकते हैं। जैसे हम इनको डेकोरेटिव पर्पज से यूज करते हैं, इसमें डिजाइनिंग थोड़ी सी करते हैं, तो ये जो चार होल हैं इसमें यदि इन दो होल्स को अपन इस तरह से स्यू करते हैं कपड़े के ऊपर, तो वो पैरेलल हेड बटन्स कहलाते हैं। यदि इन्हीं बटन्स को अपन क्रॉस हेड में अटैच करते हैं तो इनको क्रॉस हेडेड बटन्स बोलते हैं। इनको अपन इस तरह से भी लगा सकते हैं कि दो होल का एक एरो की शेप में लगाते हैं तो एरो हेड बटन्स कह सकते हैं इसको, या स्क्वायर की फॉर्म में लगाते हैं तो चारों को एक सीरीज के उसमें बांधते हैं अपन, तो इसको स्क्वायर हेडेड बटन्स भी बनाए जा सकते हैं। अब ये होता है शैंक बटन। शैंक जैसा मैंने बताया था आपको कि शैंक बटन के स्टैंड को बोलते हैं। ये देखिए ये बटन है और बटन का स्टैंड ये वाला होता है। कई बार ये मेटल का भी बना हुआ होता है और कई बार ये इसके अंदर जैसे शेप ही इस तरह की होती है कि इसके अंदर एक होल बना हुआ रहता है जहां से अपन कपड़े के ऊपर इसको स्यू कर सकते हैं। ये शैंक बटन होते हैं, डेकोरेटिव पर्पज से भी होते हैं और इनका फंक्शनल रोल भी होता है, दोनों तरह से हम इसको लगाते हैं। ठीक है, एक बटन होते हैं रेनफोर्स बटन। ये रेनफोर्स बटन अभी जो मैंने बात की थी कि फोर होल बटन जो कोट में लगते हैं बटन वही होते हैं, लेकिन इनके शैंक नहीं होता, स्टैंड नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब अपन कोट को बनाते हैं दोनों साइड कोट के अंदर फेसिंग लगती है, इन लाइनिंग्स लगती है, इंटरलाइनिंग लगती है, तो उसकी और जो कोट का कपड़ा होता है वो भी बहुत मोटा होता है, ऐसे करते उसकी लेयर हो जाती है ज्यादा मोटी। तो अब उस लेयर के अंदर बटन ये है कि जब बटन को अपन सिंपली जैसे शर्ट पे लगाते हैं, सिंपल अपने लगा दिया और जब उसको बंद करेंगे तो वो अंदर धंस जाएगा, यानी उस स्पेस को कैसे कवर करेगा जब तक बटन का साइज नहीं उसमें आएगा। तो बटन और कपड़े के बीच के जो डिस्टेंस है, यानी कि दूसरा जो फैब्रिक आएगा, दूसरे कोट का जो राइट पार्ट आएगा लेफ्ट पे, तो वो जो स्पेस उसको कवर करने के लिए हम उस पर एक रेनफोर्सिंग करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर जो होल है उनसे धागा लेकर के और कपड़े के बीच में एक लंबा लूप छोड़ देते हैं पहले, फिर उसको बटन होल स्टिच से फिनिश करते हैं। फिनिश करते हैं तो एक टाइट बन जाता है। अब बटन ये खड़ा रह सकता है इसके ऊपर। अब जब दूसरे कपड़े की जब राइट साइड से जब कोट का आएगा, अब उसमें जब उसको अपन बंद करेंगे तो ये आराम से इस कपड़े को, इस स्पेस को वो कपड़ा जो है फुलफिल कर लेगा। तो ये इस तरह से बनाया जा सकता है। इन ये रेनफोर्समेंट का मतलब होता है मजबूती, इस बटन को हम मजबूती देने के लिए रेनफोर्समेंट करते हैं। एक बटन होते हैं प्रेस्टेड बटन। ये बटन्स जो होते हैं ना, ये फोर पार्ट बटन भी कहते हैं इनको। फोर पार्ट मतलब एक बटन जो है वो चार पार्ट से मिलकर के पूरा होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट में रिंग होती है, इसको फिक्स करने के लिए एक कपड़े के नीचे की तरफ, यानी कि बटन जो प्लेकेट है उसके रॉन्ग साइड के ऊपर एक ये दूसरी रिंग लगती है जिसमें हुक्स जैसे पिंस लगी रहती हैं, वो डाई के थ्रू या प्लायर के थ्रू उसको अपन फिक्स करते हैं, तो ये रिंग्स जो है वो इसके अंदर आकर के बाहर आके फिक्स कर देती हैं इस रिंग को। इसी तरह से इसका लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट को भी बटन होल प्लेकेट के ऊपर इसको इस रिंग के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। एक बटन होते हैं जिनको कहते हैं सेल्फ शैंक। इट मीन्स बटन की शेप ही ऐसी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि वुलन गार्मेंट के अंदर जो पर्ल यानी कि मोती की तरह जो बटन लगे हुए आते हैं उनके अंदर ही होल होता है, यानी इनबिल्ड होता है, उसको पर्ल बटन भी बोलते हैं अपन। तो सेल्फ शैंक होता है उसके अंदर शेप
के अंदर ही बना हुआ होता है। एक बटन होते हैं जिनको कहते हैं मतलब क्लोथ कवर्ड बटन, ये बटन होते तो शैंक वाले हैं बट इन बटन का शैंक यानी इनको डेकोरेटिव पर्पज से ज्यादा हम लगाते हैं। क्लोथ कवर्ड यानी इन बटन्स के ऊपर हम कपड़े को ढकते हैं, इट मींस ये एक बटन और उसके अंदर एक डाई और एक प्लेट की तरह एक शेप होती है, इसको हम इसको मन चाहे कपड़े यानी कि हम डिजाइनिंग जब करते हैं तो हम जिस ड्रेस को बनाते हैं उसे कंट्रास्ट या सेम कलर या डेकोरेटिव बटन हमारी तरफ से हम यूज करके कपड़ा इस बटन को हम इसकी तरह फिक्स कर देते हैं इसके साथ में, तो हम उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी कर सकते हैं कोई और भी इस तरह से इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बटन को क्लोथ कवर्ड बटन होते हैं, ये हम अपनी इच्छा से किसी भी कपड़े को लेकर के बना सकते हैं, यानी कि ये यदि अपने पास है तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं अब बटन लगाने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा या अलग तरह का कौन सा डेकोरेटिव बटन लगाएं, तो हम ये क्लोथ कवर्ड बटन लगा सकते हैं। एक बटन आता है टॉगल नोट बटन। टॉगल नोट क्या होता है? टॉगल में देखते हैं जैसे वो पानी की जो बॉटल होती है, पानी का जो बैग होता है उसको बंद करने के लिए, यानी जैसे ढोलकी की शेप में जो बटन आते हैं वुडन बटन, उनको लगाते हैं और उनको बंद करने के लिए ये लैदर या रेगजीन के पीस के ऊपर ये कि पार्ट लगा रहता है जिसको लूप की तरह फॉर्म आते हैं, इसके अंदर अटैच करके इसको टॉगल नॉट यानी कि टॉगल जैसे कहते हैं उसके अंदर ये गांठ लग जाती है, इसके अंदर ये अटक जाता है और टॉगल मीन्स खूंटी यानी खूंटी की तरह जैसे अपन अटकाते हैं किसे टांगते हैं तो वो जो लूप बनता है वो इसके अंदर लूप बनता है और ये इस तरह का बटन बनता है। ज्यादातर ये जैकेट्स वगैरह के अंदर या जो उनके अंदर लगता है जैकेट्स में। एक होता है फ्रॉक फास्टनर्स। फ्रॉक फास्टनर्स इसमें क्या करते हैं हम कपड़े की शेप के ऊपर ही पाइपिंग सी बना करके और उसी शेप से नॉट लगा करके गांठ लगा करके बटन का निर्माण कर देते हैं, यानी ये फैब्रिक के द्वारा मेड बटन है। ये तो फैब्रिक मेड बटन है, ये भी फैब्रिक मेड बटन था लेकिन इसमें सिर्फ अपन ने कवर किया था उसको, लेकिन बेस उसका मेटल था बट इसके अंदर सारा का सारा जो डिजाइनिंग है वो कपड़े की पाइपिंग बना करके यानी कि बाइंडिंग बना करके एक ट्यूब बना करके पाइप जैसा बना करके उसके द्वारा इस बटन को अपन ने बनाया है। ये भी जैकेट्स वगैरह के अंदर भी काम करती हैं। तो आज ये सारा बटन का पार्ट है कि किस किस तरह के होते हैं, यानी शैंक बटन और विदाउट शैंक बटन। तो जो शैंक होते हैं मतलब हमें बनाना तो पड़ता है ये शैंक सब में, जिसमें नहीं है उसमें हम बना देते हैं और जो जिसमें ऑलरेडी होता है उसको हम ऐसे ही अटैच कर देते हैं। अब जिसमें नहीं है तो हमने क्या बनाया, जैसे शर्ट्स में अपन लगाते हैं ना तो शर्ट के अंदर भी हल्का सा यानी कि दो तीन बटन होल के स्टिचेस को लेकर के हम छोटा सा टेलर मेड बटन होल में दिखता है, तो वहां बटन शैंक बनाया जाता है। ये रेनफोर्स बटन है, इसके अंदर भी अब देखो अपन ने शैंक बना रखा है, तो कपड़े की थिकनेस के अकॉर्डिंग हम इसमें शैंक का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और ये सारे जो बटन्स हैं अपन ने सारे के सारे ये फास्टनर्स में आते हैं और अलग अलग पर्पज से हम इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम अगले पार्ट में करेंगे बटन होल्स को कि इन बटन्स को लगाने के लिए किस किस तरह से हम बटन होल को यूज करते हैं इसके साथ।